हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हिट में। तो इस वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि RUHS के BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2022 से रिलेटेड होने वाला है। तो आप सभी को जैसे कि पता होगा RUHS का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका जो फॉर्म फिल करने का प्रोसीजर है वो कल से स्टार्ट हो चुका है। तो आप सभी जो भी जो है उसका फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म कैसे फिल करना है मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो। उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो RUHS BSc नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम आपका कंडक्ट होगा उसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस भी जो है वो मैं आपको करवा दूंगा RUHS के एग्जाम के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज मुझे ये भी आपको बतानी है कि जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं तो वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, सपोज किसी का एडमिशन कहीं नहीं हो पाया या कोई ड्रॉपर है और वो चाहता है कि उसका ईयर वेस्ट ना हो तो वो यहां पर जरूर ट्राई कर सकता है। 1800 रुपीज जो है फॉर्म की फीस है और जो है आपको एग्जाम देने के लिए जयपुर जाना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए 15% कोटा है। ठीक है, बाकी मैंने उस पर वीडियोस डाल रखे हैं तो वो भी आप चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड ऑफ 120 मिनट्स ड्यूरेशन इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर एट जयपुर ओनली। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का जो है आपका पेपर यहाँ पर होने वाला है। बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको पेपर देखने को मिलेगा और ऑफलाइन मोड में होगा यानी कि OMR शीट पे जो है आपको अपने रिस्पॉन्सेस फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद है इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन एनी क्वेश्चन देन द इंग्लिश वर्जन विल बी ओनली कंसिडर्ड। ठीक है, तो ये तो पता ही होता है अगर हिंदी के क्वेश्चन में मतलब हिंदी लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ी है तो आप इंग्लिश वाले को सही मानोगे। ठीक है, द डिटेल्स ऑफ द एडमिशन टेस्ट विल बी अवेलेबल एट द वेबसाइट्स। द सिलेबस फॉर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन इज अवेलेबल एट द RUHS वेबसाइट। तो सिलेबस भी जो वो आप देख सकते हो, सिलेबस में बेसिकली है कुछ नहीं, 11th और 12th के फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के चैप्टर्स को दिखा रखा है उसमें। ठीक है, तो मैं ऊपर से आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि मैंने उसको ओपन करके देख लिया, उसमें कुछ भी नहीं है। जो भी आपके 11th और 12th के PCB के चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के टॉपिक्स उसमें लिखे हैं और सारे ही टॉपिक्स लिखे हैं। ऐसा नहीं है कि वहां कुछ टॉपिक्स लिखे गए और बाकी छोड़ दिए, पूरी NCERT का जो इंडेक्स होता है वो वहां पर कॉपी करके पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। उसके बाद यहां लिखा है देयर शेल बी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, टेंटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन 33 क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स, 33 क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री एंड 34 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी दैट इज जूलॉजी एंड बॉटनी। तो लास्ट ईयर की तरह ही, प्रीवियस ईयर की तरह ही जो है इसका एग्जाम पैटर्न भी है। तो 33 क्वेश्चंस आपके फिजिक्स के होने वाले, 33 केमिस्ट्री के और 34 जो है बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे। ईच क्वेश्चन शेल हैव 4 ऑप्शंस टू आंसर आउट ऑफ विच ओनली 1 शेल बी करेक्ट, +1 mark शेल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 0 mark फॉर एन इनकरेक्ट आंसर और एन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, देयर शेल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं है। ठीक है, और जब आप एक क्वेश्चन को सही करोगे तो आपको 1 mark यहां पर दिया जाएगा। तो आपको बेसिकली 100 questions अटेम्प्ट करने हैं 120 मिनट्स के अंदर और एक क्वेश्चन जो है वो 1 mark का है, तो यानी कि 100 marks का पेपर जो आपको अटेम्प्ट करना होगा 2 hours के अंदर। ठीक है, तो इतना ज्यादा टिपिकल नहीं है और बाकी यही मेन चीजें थी, और तो कुछ ऐसा है नहीं सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो यही कुछ आपके डाउट्स है तो वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 11th और 12th कंप्लीट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी NCERT को गो थ्रू कीजिए। ठीक है, जितना टाइम है अभी और उसके बाद जो है क्वेश्चंस को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और क्वेश्चंस जो है वो मैं अपने चैनल पर भी आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि जैसे ही मैं उन सब चीजों की वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास तुरंत आ जाएगा। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई डाउट होता है तो या तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। और जिसको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो भी मुझसे अपनी क्वेरी इंस्टाग्राम पे पूछ सकता है, और साथ ही वो वीडियो भी देख सकता है जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है उसके प्रोसेस पर। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।